चलो ठीक है, ठीक है जाओ आप लोग, हम समझ गए आपकी मजबूरी। सिटी पेट्रोल पुलिस ने हमें पकड़ लिया था, आरसी और डीएल मांग रहे थे। बट गाइस राइड जल्दी प्लान होने वाली है अयोध्या की, पूरा कॉन्वॉय लेकर के हम लोग अयोध्या आ रहे हैं। बताओ उनमें से कौन सी बाइक चाहिए अयोध्या राइड पर। ये गाना हम लोगों ने डेडिकेट करा अपनी ब्रो सेना को लेकर के। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। एंड आज के इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम घर। घर की कंडीशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये चेक करो कितना धूल 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 वाला सीन हो रखा है, बिकॉज बाहर ना पूरा घर का काम चल रहा है। एंड अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये चल रही है कि ये धूल के कारण ना किसी मेहमान को भी नहीं बुला पा रहे। इतने सारे लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, बट सब लोगों को भी फिलहाल के लिए मना कर रखा है। इतने सारे फैंस मिलने को आ रहे थे, उन लोगों को भी बस बाहर बाहर से मिल रहा हूँ। बट घर में ना बहुत ज्यादा धूल धूल हो चुकी है। इसको पूरा कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट अभी 15-20 दिन और लगेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है के लिए। बट आज के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस, बाबू भैया जा रहे हैं अपने म्यूजिक वीडियोस डिस्टाक की शूट करने चंडीगढ़ फिल्म सिटी। और ये चेक करो जुलू, ये मेरी मम्मी है। ये 3 महीने गायब था, इसका मतलब मेरी मम्मी थोड़ी ना हड़प लेगा तू। मम्मी तो मेरे को पहचान भी नहीं रहा है। इधर से आओ। मम्मी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ अपना डिस्ट्रैक्ट शूट करने के लिए, पहला म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए जो इतना प्रोफेशनल लेवल पे शूट हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, ये गाना इतना ओजी होने वाला है ना। और ये गाना पता है मम्मी किसको डेडिकेट करा है बताओ? ये गाना हम लोगों ने डेडिकेट करा अपनी ब्रो सेना को लेकर के। पापा ब्रो सेना को हम लोग गाना डेडिकेट कर रहे हैं। करो, हम भी करने वाले हैं। क्या क्या डेडिकेट कर रहे हैं पापा ब्रो सेना को? वही वाला का। आजकल पापा की रील चल रही है इंस्टाग्राम में, यू नो लाइक ओजी डैड करके। एंड बहुत सारे लोग नए भी जुड़े, तो नई फैमिली भी आई है। लोग ये बोलते हैं नो आपके जो फैमिली व्लॉग्स रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। मेरे को ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं फैमिली व्लॉग्स बनाते हुए, बट आज के टाइम में इतना अच्छा लगता है मम्मी जब लोग नई ऑडियंस जब मिलती है ना, तो कितना अच्छा लगता है ना। बिग बॉस के बाद हमारे पास बहुत नई ऑडियंस, मतलब पहले YouTube वाले ही लोग देखते रहे ज्यादा, बट अब मम्मियां आंटियां रास्ते में आंटियां मिलती है, बोलते बाबू भैया आप जब टीवी पे आते हैं आपको कैसे लगा था? मेरे को अच्छा लगा था, जब मन्नू को नहीं देखा तब मुझे दुख हुआ। आपने मन्नू की कलमिंग की वीडियो दोनों ने बनाई भाई, क्या क्या काटा गाइस। शुरुआत मम्मी ने कर दी क्योंकि मेरे आ रहे थे आंखों पे आंसू। उसने कहा मम्मी आगे मैं शुरू करता हूँ, बीच में आप बोलना, पर वो उन्होंने काट दिया मन्नू वाला। सबका भाई क्या क्या हुआ बिग बॉस के घर के अंदर पता आपको? सबकी फैमिली की वीडियोस दिखाई थी और मेरी फैमिली ने भी पूरी 1-1.5 मिनट की वीडियो भेजी थी। मुश्किल से 20-30 सेकंड की वीडियो दिखाई, फिर खत्म कर दी। बट कोई नहीं मम्मी, अब आपका लौंडा खुद की पिक्चर खुद ही बनाएगा और उस पर मैं आपको हीरोइन रखूंगा मम्मी, ठीक है पापा? और आपको हीरो सही है पापा? हम जो अपना काम करेंगे जाने अपने ढंग से करेंगे। डायलॉग भूल गया मैं, पर हम कौन से स्टाइल में बोले डायलॉग? किसी में पापा, आप जो आपका स्टाइल है वो बोलो। हमारा स्टाइल तो यही है कि हम अपने आप काम करते हैं और अपने आप बताएंगे। अभी देखो मेरी पिक्चर रिलीज होने दो, अभी तो जरा मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, ये इतने दिनों से ये स्क्रिप्ट लिख। बट मम्मी आपकी स्माइल बहुत मिस करी मैंने शो के अंदर, सच्ची में इतना ऐसा लगता था ना मेरे को, सच्ची में ऐसा फील होता था यार मैं मम्मी से कितना दूर हूँ। इनके पास होना तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। दुनिया में ना सब चीज हो जाती है, मम्मा कभी नहीं मिलती। हाँ, माँ दूसरी नहीं मिल सकती गाइस। बट आज के इस ब्लॉग में गाइस बहुत तबाही सीन्स होने वाले हैं। मैं निकल रहा हूँ चंडीगढ़, ठीक है मम्मी? माँ पढ़ना, ठीक है पापा पढ़ना, जुलू प्रणाम कर रहा हूँ भाई, पैर छू करके जा रहा हूँ, नए शुभ काम से पैर छू के जाना पड़ता है, चल भाई। एंड द थिंग इज गाइस, भव्या को घर निकलने पड़ा, वो चिढ़ गई मेरे से छोटी सी बात पर, और बहन के नखरे तो झेलने पड़ते ही हैं। बट कोई बात नहीं, मना लेंगे उसे, इतना मिन्नतें करे ना उसके, बट फिर भी नहीं रुकी वो मम्मी, भव्या चली गई। भाई हम क्या बोल सकते हैं भाई, जिसको मन नहीं है तो क्या कर सकते, कोई रीजन नहीं रहा होगा मम्मी। हर्ष तू तो चल रहा है ना मेरे साथ? हाँ। एंड द थिंग इज गाइस, और भी गैंग जा रही है, उन सबको उठाते हैं हम लोग, फटाफट निकलते चलते हैं यार। ओके बॉयज, वी आर रेडी टू लीव, चेक दिस आउट, ये रही हमारी हाइलेक्स। और मैं आपको बाइक की कंडीशंस दिखाता हूँ गाइस, बहुत दिन हो चुके हैं मैंने बाइक नहीं दिखाई है। ये चेक कर रहे हो, ये पूरी बाइक भाई, BMW, ZXNR, Hayabusa, Ducati, लास्ट पे Zina 100 और BMW 1250। बट यार कितना टाइम हो गया यू नो बाइक ही नहीं चलाई है। बट गाइज राइड जल्दी प्लान होने वाली है अयोध्या की, पूरा कॉन्वॉय लेकर के हम लोग अयोध्या आ रहे हैं। एंड ये जितनी सारी सुपर बाइक है ना, बताओ उनमें से कौन सी बाइक चाहिए अयोध्या राइड पर। क्रेजी मीटअप होने वाला गाइज, फिलहाल के लिए चंडीगढ़ निकल रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो फट निकलेंगे। मम्मी चलो, ठीक है बाय मम्मी। अरे मम्मी आप हमेशा मेरे दिल में हो, एंड आई लव यू द मोस्ट। बाय 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 मम्मी, बाय बाय कलामिंग, बाय बाय मेरे एडिटर, बाय 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 नीडू भाई। एक भाई को हम लोग घर पे ही छोड़ करके जा रहे हैं, बिकॉज अब जब से घर आया हो ना, तो लोगों को घर पे आना पता लग गया कि भाई लोग घर पे आ रहे हैं। मैं सब लोगों से मिलूंगा यार, बट प्लीज घर पे थोड़ा सा अवॉइड करना गाइस। पर तुम सुन ना पाए हम
चलो ठीक है, ठीक है जाओ आप, थैंक यू सर, ठीक है आप जाओ, हम समझ गए आपकी मजबूरी, चलो जाओ, वही तो कह रहा है यहाँ लोग देखते ही उन्हें यार, चलो थैंक यू सर, ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके बॉयज, मैं आपको बताता हूँ अभी क्या सीन हुआ है। अभी यू नो हम लोग देहरादून निकल रहे थे और हम लोग बहुत लोकी होकर के घूम रहे हैं। सिटी पेट्रोल पुलिस ने हमें पकड़ लिया था, आरसी और डीएल मांग रहे थे। जब तक हम लोग रुके तब तक इतने सारे भीड़ होने लग गई थी, तो फिर उन्होंने फटफट बोला कि चले जाओ आप, फिर हम लोग निकल गए गाइस, बच गए। बट थैंक यू टू उत्तराखंड पुलिस इतना सपोर्टिव रहने के लिए और इतना समझने के लिए, थैंक यू सो मच सर जी। ओके गाइस, हम लोग निकल ही रहे थे, ये चेक करो आज हमारे बहुत सारे दोस्त आए हैं, क्या हाल है, वो चिप्स नहीं खाए मैंने बिग बॉस के घर में, इतने सारे चिप्स लेकर के आ रखे मेरे लिए, आए और पार्टी ना हो, दोस्त आए और पार्टी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड द थिंग इज गाइस, अभी हम लोग भव्या को भी पिक कर रहे हैं शायद से, आज मेरे ग्रुप के सारे दोस्त मिल रहे हैं इतने टाइम बाद। मेरा जो दोस्तों वाला ग्रुप है ना, जिनको मैं मिस कर रहा था, और इतने क्रेजी लोग है ना, ऐसे दोस्त आपको शायद ही कहीं मिले, पागल लोग। मतलब मैं भी चल रहा हूँ भाई, सॉरी मैं ब्लॉक करने में भूल गया था, ये भी चल रहा है गाइस। बट मेरे दो दोस्त आ चुके हैं, बाकी दोस्त कहाँ है मेरे भाई, अभी उठाते हैं, मेरी बहन का है, चिढ़ती रहती है गाइस भव्या, क्या ही बताऊं, इतना चिढ़ती रहती है ना जिंदगी में। हम लोग जी गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे भव्या के घर के पास, बट हम लोग भव्या को कैसे नहीं लेकर के जा सकते थे, क्योंकि अपनी बहन है, तो कैसे ना कैसे करके उसे मनाया। सच्ची बता रहा हूँ, बहन के जो नखरे है ना मेरे, बहुत बहुत ज्यादा नखरे वाली, भी नहीं आऊंगी जी, क्या बोल रही थी ना, शादी में नहीं आऊंगी की लड़के चली गई, बोल रही कि शादी में नहीं आऊंगी। मैंने कहा बहन वो बहुत दूर की बात कर रही है अभी फिलहाल तू, बट हम लोग ना एक्चुअली बात करते करते आगे बहुत दूर आ गए, हम लोगों को पौंटा साहिब पहुंच चुके हैं, भव्या के घर जा रहे हैं लौट कर। 20 किलोमीटर पहले एक लेफ्ट राइट टर्न लेना था, बट हम लोग इतना इतनी सारी बातें ना करने के लिए, उन बातों में हम लोग इन्वॉल्व होते रह गए। फिर हम लोग 20 किलोमीटर आगे आ गए, अभी वापस जा रहे हैं भव्या के घर। यानी जिन्हें नहीं पता गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, भव्या की ना बहुत बड़ी स्वीट शॉप है देहरादून में, अलका स्वीट शॉप। वो मिठाइयाँ और जलेबी अभी उसने तैयार कर रखी है, और चाय घर पे बन रखी होगी, और समोसे गाइस। फट 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 चलते हैं भव्या के घर और फिर मिलाते हैं अपनी नखरीली बहन से। जय श्री राम आंटी, जय श्री राम, जय श्री राम, आंटी नमस्ते, बढ़िया बढ़िया। गाइस कैब करा करके आई आज, हमारा चंडीगढ़ का शूट, गाने का शूट छोड़ करके आए हम इसे लेने के लिए, मेरी बहन। और कहाँ पहुंच गए थे हम अभी अंकल, हम तो बातें करते पौंटा साहिब पहुंच गए। ओके गाइस, हम लोग पहुंच चुके अपनी बहन के घर, एंड चेक दिस आउट, हम खा रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना भव्या की बहुत बड़ी स्वीट शॉप है देहरादून में, हम लोग खा रहे हैं उसकी स्वीट शॉप का हलवा। अच्छा मेरी बात तो सुनो बहन, लड़ाई खत्म हो गई, अब आओगे ना मेरी शादी में, फिर मैंने लड़ाई हुई इससे गाइस, बोल रही भैया मैं आपकी शादी में नहीं आऊंगी। मैंने कहा तुम्हें पता है भव्या, इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे ऐसे लोगों को झेल के और ऐसे ऐसे इमोशनल ट्रॉमा झेल चुका ना जिंदगी में, कि अब मेरे को सच्ची में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरा कूल डाउन का लेवल बहुत नीचे हो चुका गाइस, क्योंकि जब मेरे को गुस्सा आता है ना तो मैं फिर वो बर्तन बुर्तन फोड़ देता हूँ घर के अंदर, और मैं नहीं चाहता कि मैं से मारूं मुरूं गाइस, क्योंकि बहन है, छोटी बहन, आप मारोगे आपको बोल के दिखा, हाँ, ना हाँ, बोल के दिखा रहा तुम्हारा, तो छोटी बहन है, छोटी भाई, छोटी बहन कुछ नहीं है, गलती करेगी दे डंडा, देख ऐसे बोल रहा सृष्टि ना सर की दे दी है, हाथ नहीं, जिनका छोटी बहन है ना उन्हें वो दर्द पता होता है भाई, कसम से बहुत नखरे झेलने पड़ते हैं गाइस, बहुत नखरे, जो अपने बड़े भाई के झेलने होते हैं ना, वो आप लोग कभी समझ ही नहीं पाओगे, इतने नखरे झेल रहा हूं ना जिंदगी में, मुझे लगता है, और मेरे घर वाले भी इसके सपोर्ट में, मेरी मम्मी भी इसका सपोर्ट ले रही है भाई गाइस, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं क्या, सिस्टर से ना कोई एक नई बहन है जो मेरी बहन बनना चाहती है वो कमेंट करो गाइस, मैं इसे डोनेट कर रहा हूं, भेजो मैं सिलेक्ट करूंगी, भेजो मैं इसे डोनेट कर रहा हूं, प्लीज इसे कोई ले जाना चाहता है मेरे से तो मैं इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट कर रहा हूं, इसकी शादी करा देते हैं, इसकी शादी मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी, बताओ जहां पर बोलोगे वहां पर, एनवाई बोलोगे एनवाई कराऊंगा, रात के बजे ऑलमोस्ट 11:30 एंड वी फाइनली लैंडेड इन चंडीगढ़, एंड ये चेक करो दुष्यंत संगम और सचिन भाई आपके साथ ही है ना गाना हमारा, भाई सचिन भाई के साथ हमारा जो ये डिस ट्रैक है ये सचिन भाई ने करा है, एंड बहुत केड़ा सॉन्ग करा है गाइस। फिलहाल हमें पहुंचते बहुत लेट हो गई, रास्ते में थोड़ा सा इधर उधर भटक गए थे हम लोग, बट पहुंच गए हम लोग चंडीगढ़, अभी रूम चेक इन करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। ओके गाइस, रात के 1:30 बज चुके हैं, दुष्यंत को मिले हुए हमें ना 1.5 घंटा हो चुका है, बट हमें ना होटल नहीं मिले, दुष्यंत ने जो होटल करवाया था, यू नो अमीर लोग, बिग बॉस मैं होकर के आऊं, अमीर दुष्यंत हो गए 1.5 फीट,
भैया के लिए सरप्राइज है भाई। भाई इन्होंने इतनी तगड़ी तगड़ी प्रिपरेशन करी है ना गाने की गाइस, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट, बहुत अमेजिंग शूट होने वाला है डिस्ट्रैक का। मैं क्या बोल रहा था, मैंने कहा बिग बॉस अबे खोल तो दो वो लोग क्या ही हुआ आज के दोबारा चाहिए लिफ्ट लेने, क्या हो गया तो भाई रूम कार्ड की भी नहीं है, ऐसे पहुंच गए गाइस ऊपर, बट हमारे पास रूम कार्ड की ही नहीं है। अब वो लोग ऊपर आएंगे फिर रूम खोलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, इन तीन लड़कों ने बहुत मेहनत करी है शूट के लिए, सारी चीजें मैनेज करी है। अभी फिलहाल रूम चेक इन करते हैं और फिर आपको बताते हैं कल क्या तगड़ा शूट करने वाले हैं डिस्ट्रैक्ट का हम लोग। ओके गाइस हम लोग पहुंच चुके रूम में, एंड चेक दिस आउट, दुष्यंत ने हमारे कपड़े लेकर के म्यूजिक वीडियो के, फटाफट फटाफट दिखाना दुष्यंत ये क्या। कल मैं ये फील करूंगा मैं रैपर नहीं गैंगस्टर है ब्रो। ये सच्ची में यार बहुत सेक्सी क्लोथिंग कहां से उठाई है ये जो आर्ट हैंडमेड है करेक्ट। वो ये बहुत क्रेजी आउटफिट है यार। जिगर के नौजवान नहीं दिल लगाना। मैं गाइस आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो भी हमारा गाना शूट हो रहा है वो हमारे तीन लॉन्डो ने बहुत मेहनत करके डाला है। पहला नाम है अनुराग, दूसरा नाम है हर्ष और तीसरा नाम भव्या। जोक्स अपार्ट, वी हैव दुष्यंत, फिर वी हैव संगम, फिर वी हैव सचिन भाई। इन तीनों ने इतनी मेहनत करी ना कि सोए भी नहीं हो तुम लोग, कब से नहीं सोए? कोई नहीं, सचिन भाई संगम भाई के साथ हमने गाना करा था सिस्टम 22 मिलियन। ये जो डिस्ट्रैक्ट है तो बिग बॉस और सलमान भाई को डिस्ट्रैक्ट कर रहे गाइस नेक्स्ट लेवल। तो यार ऑलमोस्ट हम लोग आ चुके हैं रूम में, ये रही हमारे कल के गाने की शॉपिंग, एंड कल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शूट होने वाला है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। फिलहाल के लिए हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे मस्त एंड एंजॉय करेंगे गाइस। उम्मीद करते हैं गाइस आप लोगों को टेक 3 ले रहे हैं हम लोग, व्लॉग पसंद आएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन सारा गयो। ₹20,000 खर्च हो गए।